हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय इडन। अगर आपको पेट रैबिट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं जस्ट ओनली पेट रैबिट्स के बारे में। और जो इंडियन नंबर वन चैनल है पेट रैबिट्स के बारे में, मतलब हाँ मैं ठीक है, मैं क्यूट वीडियोस वगैरह दिखाती हूँ, बट जो मेरा मेन मोटिव होता है वो पेट रैबिट्स को हम लोग कैसे अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, कैसे अच्छी उनकी केयर कर सकते हैं, क्योंकि रैबिट्स बहुत फ्रिजाइल एनिमल है, बहुत ही सेंसिटिव एनिमल हम लोग कहेंगे। चेरी ऊपर जाके बैठ गया बेड पे। आई शो यू, वेट, प्ले पेन इधर ही लगा हुआ बेड के, मतलब ये मत सोचो कि प्ले पेन बंद है, वहां से ओपन है और वो ऊपर जाके बैठ गया। उसको ही लव टू यू नो ले डाउन ऑन बेड्स, तो बेड में इसलिए बंद करके रखती हूँ क्योंकि एक बार मफिन ऐसे जंप कर गया था और इन दोनों में फाइट हो गई थी। टचवुड अभी फाइट नहीं हो रही है, अभी थोड़ा सा माहौल ठंडा चल रहा है। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको पेट रैबिट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए और अगर आप भी एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं अपने पेट रैबिट्स को, तो प्लीज माय इडन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 50,000 सब्सक्राइबर के पीछे ना, मतलब मैं कब से सोच रही हूँ कि कब होंगे, बट बहुत स्लो मोशन में चल रहा है हमारा काम। एनीवेज, आज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि मैं किसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं ना बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, 2-4 मिनट का वीडियो होगा बस। इसमें ना एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ब्रीफ वीडियो अगर आपको चाहिए ना तो मैं बाद में आराम से बना दूंगी। मैं ना एक्चुअली कहीं गई थी किसी काम से, तो मुझे लगा कि चल मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर दूं, क्योंकि मैं ना 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। एक्चुअली अभी ना रिसेंटली मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है ना कि वेट्स, यानी कि हम वेट बोलते हैं जो एनिमल डॉक्टर होते हैं ना, उनको वेट्स बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे सब्सक्राइबर जिनको शायद नहीं पता होगी, उनके लिए बता रही हूँ। तो उनको ना वेट्स बोला जाता है। तो जो वेट्स है ना, स्पेशली इंडिया में रैबिट्स को ना बहुत हल्के में लेते हैं। और अभी रिसेंटली ना हमने ऐसे केसेस मतलब देखे हैं। मैं रियली बताऊं दिल से, मैं खुद को ना बहुत बहुत अपसेट फील कर रही हूँ, मतलब मैं सही वर्ड्स नहीं बता पाऊंगी, मतलब आई फील सो ब्रोकन कि बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसमें हम रैबिट्स को नहीं बचा पा रहे। और केस कैसे खराब हो रहा है, वेट के पास गया, वेट ने कहाँ इंजेक्शन लगाना था कहाँ लगा दिया, क्या डोज देनी थी क्या दे दी, ड्रिप कहाँ चढ़ानी थी कहाँ चढ़ा दी। तो बस मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, किसी का भी स्पेसिफिक चीज नहीं बोलूंगी। हाँ, अगर आप लोगों को डिटेल चाहिए होगी तो हम आराम से डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो बस यही बता रही थी कि अगर आपके बनी को कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले देखो कि आपकी तरफ से क्या कमी है, आपने डाइट गलत दी है, क्योंकि रैबिट्स की 99% प्रॉब्लम्स उसकी बैड डाइट से होती है, यानी कि हम गलत उसको जो भी खाना खिला रहे हैं। तो रैबिट्स को मेन जो चीज है वो है रैबिट्स को हम क्या खाना खिला रहे हैं। डाइट की बहुत सारी वीडियोस, बेबी बनी डाइट, एडल्ट बनी डाइट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज यार पुराना वाला वीडियोस देख लिया करो। अब बहुत लोग पता क्या व्हाट्सएप पे बोलते हैं लिंक भेज दो, यार इतना प्लीज आप लिंक खुद ढूंढ लिया करो। मैं लिंक विंक नहीं भेज सकती क्योंकि आपको ना अंडरस्टैंड होना चाहिए कि वाकई में मेरे पास ना हेल्प को से लेकर ज्यादा मैसेजेस आते हैं रेदर देन अ सेलिंग, मुझे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यार लिंक विंक तो आप लोग प्लीज खुद ढूंढ लो। तो आप ना खुद देखो कि डाइट की वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। तो मैं बस ये बताना चाह रही थी कि अगर आपके बनी को कोई भी इशू होता है, कोई भी दिक्कत होती है, डॉक्टर पे ले जाने से पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लो कि वो डॉक्टर रैबिट के बारे में जानता भी है कि नहीं, या आप खुद रिसर्च करके जाओ। हर किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि ये इतना सेंसिटिव एनिमल है। अगर इंजेक्शन गलत लग गया, अगर इंजेक्शन की डोज गलत लग गई, वो देखो चेरी, तो इनकी जान तक जा सकती है। तो ये चीज आपको अपना होमवर्क करना है कि आपको किसी भी वेट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। मैं सारे वेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कुछ वेट्स ऐसे होते हैं जो रियली मतलब उनके लिए कोई बॉदर नहीं करता कि वो जिए या मरे। स्मॉल एनिमल्स कोई भी बॉदर नहीं करते हैं उनके लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि और वो अपने आप को वेट्स बोलते हैं और बताते हैं कि हाँ हम लोगों के पास सारी डिग्रियां हैं, सब कुछ चीजें हैं। बट ठीक है, देखो अच्छा वेट होगा उससे भी किसी रैबिट की जान जा सकती है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बट ज्यादातर जो वेट्स होते हैं ना वो रैबिट्स के बारे में नहीं जानते हैं और केस खराब कर देते हैं। रैबिट्स एक प्रे एनिमल है, उसको किस तरीके से वेट्स पे ले जाया जाता है, क्या चीजें हैं, ये सारा डिटेल वीडियो मैं करूंगी। बस मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहती थी कि प्लीज अगर आपके बनी को कोई प्रॉब्लम है तो जिसके पास भी आप ले जा रहे हो वो बंदा वाकई में ही आपके रैबिट को सेव करना चाहता हो,
वो अलग बात है कि हो नहीं हो वो अलग चीज है, बट वाकई में ही सेव करना चाहता हो और उसको रैबिट की नॉलेज हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, बस आपसे ये एक छोटा सा चिटचैट करना था, तो मुझे लगा वीडियो बना के कर दूं। चैरी को देख रही हूँ मैं अभी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं जरूर शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।